सहयोग आपका प्रयास हमारा। नमस्कार, मैं निशु चंद्रा आप सबका स्वागत करती हूँ एग योग न्यूज पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सहयोग आपका प्रयास हमारा। पोएट्री इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि समस्याओं से भरपूर है। आए दिन यहाँ कोई ना कोई समस्या आती रहती है। क्या है पोएट्री की समस्याएं और क्या है उनके समाधान? यहाँ अनेक और अनेक समस्याएं हैं, कभी बर्ड फ्लू का आ जाना, तो कभी कोरोना की महामारी, कभी रेट में उतार चढ़ाव और कभी सोया फीड के रेट का आसमान को छू जाना। और इन अनेक समस्याओं के अनेक समाधान भी निकाले गए, पर कोई भी समाधान आज तक अंजाम तक नहीं पहुंचे। ये पोल्ट्री इंडस्ट्री आज भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि असंगठित है, और फिर भी ये इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में अपना 1% का योगदान देती है, और लगभग 2 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। कितनी बार मांग उठी है फार्मर्स को बचाने की, फीड कॉस्ट को कम करने की, मार्जिन को बढ़ाने की, लेकिन आज तक वो मांगे पूरी नहीं हुई है। अगर हम आज भी पोल्ट्री की किसी भी कैटेगरी को उठा के देख ले तो यहाँ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। चाहे हम ट्रेडर और डीलर की बात करें या फीड डीलर की और फीड बनाने वाली कंपनी की बात करें, यहाँ दूर दूर तक कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आती, जिसका फायदा कुछ लोग उठाते हैं, जबकि इस इंडस्ट्री को कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। अगर मैं बात करूँ सोया की, तो सोया की MSP 3,880 रुपए है, और पिछले साल अगस्त में सोया का दाम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल छूकर आया है, फिर भी किसी ने इसका कोई फायदा नहीं उठाया। हमें इस इंडस्ट्री की कुछ मुख्य समस्याओं को समझना पड़ेगा। लोग समाधान की बात करते हैं बिना समस्याओं को समझे। कोई सरकार की अनदेखी बताता है तो कोई पोल्ट्री इंडस्ट्री का एकजुट ना होना। पोल्ट्री इंडस्ट्री का GDP में 1% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, पर फिर भी सरकार द्वारा ये अनदेखी की जाती है। अब समय आ गया है इस इंडस्ट्री का एकजुट होने का, एकजुट होकर कदम उठाने का, क्योंकि जब तक ये इंडस्ट्री एकजुट होकर काम नहीं करेगी तब तक इस इंडस्ट्री को कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए एग्योग न्यूज ने एक फैसला लिया है सर्वे करवाने का, जिससे कि हम जान सके कि इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का आपके अनुसार क्या समाधान है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस सर्वे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सर्वे फॉर्म का लिंक नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में है, कृपया इस फॉर्म को फिल करें, अपने दोस्तों और भाइयों के साथ भी इसे शेयर करें। इन समस्याओं का पोल्ट्री एक्सपर्ट से चर्चा कर इन्हें सरकार तक पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है आपके लिए आवाज उठाने का, आपकी आवाज में आवाज मिलाकर आवाज उठाने का। हम इस प्रयास में तभी सफल हो पाएंगे जब आप इस सर्वे फॉर्म को भरेंगे। आपके सहयोग और समर्थन के बिना ये प्रयास अधूरा है। ये सर्वे पूरा होने के बाद हम इस सर्वे के परिणामों को हर जगह साझा करेंगे। आज जरूरत है पोल्ट्री इंडस्ट्री को एक साथ संगठित होने की, क्योंकि जब पोल्ट्री इंडस्ट्री एक साथ संगठित दिखेगा तभी तो अपनी आवाज मजबूती से उठा पाएगा। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें एकजुट होकर हर कदम उठाना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इस सर्वे फॉर्म को भरकर इस पोल्ट्री इंडस्ट्री के हालातों को बदलने में अपना योगदान जरूर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।